अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो, और आई होप कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छी तरह से गुजर रहा है। तो मैं अभी उठी हूँ दोपहर के 12 बजे, क्योंकि सहरी के बाद मतलब कोई सोता ही नहीं, रात को सोते ही नहीं है सहरी तक। तो अभी मैं उठी हूँ और हमने गर्मियों की जो सफाइयाँ होती है वो स्टार्ट की, पैकिंग स्टार्ट की, कपड़े सारे पैक किए, अभी उधर ऊपर उठाने हैं सब के सब। तो मैं अभी लगी हुई सफाइयों में और आई होप कि आज के दिन अच्छा गुजरे, क्योंकि सफाइयाँ करनी है तो बंदा थक जाता है और डिहाइड्रेट हो जाता है। सो लेट्स गो और करते हैं सफाइयाँ। तो हमने सफाइयों का काम डिवाइड किया हुआ है, तो ये आपा सफाई करी टीवी लॉन्च की, और ये मेरी कज़न सफाई करी किचन की, और ये है जी बच्चा पार्टी जो तैयार हो रहे, घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहे हो? ओ मज़े हैं यार आपके। तो चले यार, मुझे काम मिला है सीढ़ियों की सफाई का, अब मुझे ऊपर से लेके नीचे तक सारे सीढ़ियाँ साफ करनी है, और मुझे डस्टिंग भी करनी है। तो ये मैं फुल रेडी हो गई हूँ ताकि डस्ट मेरे मुंह में जितना चला जाए। तो चले हम करते हैं सफाई। और आप क्या कर रही हो, आपको कौन सा काम मिला? इधर आ जाओ, मुझे बताओ कौन सा काम मिला आपको। कौन सा भी काम नहीं। अच्छा, मेरे हेल्प करोगी? अच्छा, आप बेबी की हेल्प करी। नौयान हमारे घर पे एक छोटे से बेबी खेलेगी, यही काफी है हमारे लिए, उसको इंगेज करना है। तो चले हम करते हैं सफाई। अभी मैं आई हूँ, अभी सफाई कर रही है, तो चले करते हैं सफाई। काम था वो हो गया है और मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि जो मुझे काम मिला था सीढ़ियों की सफाई का, और यू नो छत से लेके ग्राउंड फ्लोर तक सारी सीढ़ियाँ साफ करनी थी, डस्टिंग भी करनी थी, तो मैं बहुत थक गई हूँ। और मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ ये बुक, ये मुझे अपनी फ्रेंड ने अभी दी है, तो फिर मैं अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ। आई होप कि मज़े की बुक हो, नो आई लव रीडिंग, बट आज मुझे टाइम मिला है तो ये पढ़ेंगे। और हाँ, अभी मुझे मेरी कज़न ने बताया कि उनकी फ्रेंड जो है, एक फ्रेंड ने हमें इफ्तार पार्टी पे दावत दी है, तो हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर तैयारियाँ करेंगे और फिर निकलेंगे इफ्तार पार्टी के लिए। तो आई होप कि आज बहुत मज़ा आने वाला है। सो लेट्स गो। सो गाइस, अभी काफ़ी ज़्यादा रेस्ट कर लिया बुक रीडिंग की, तो हम अभी तैयारी करेंगे इफ्तार पार्टी के लिए। और कल रात को मैंने चोटियाँ मंगाई थी तो मेरे बाल बहुत कर्ल हो गए और बहुत अजीब से लग रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेती हूँ। सो लेट्स गो। तो मैं अभी लगी हुई बाल स्ट्रेट करने में, तो अभी हम थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे और निकलेंगे इफ्तार पार्टी के लिए। सो फाइनली गाइस, मैं अभी तैयार हो गई हूँ और हम निकल रहे हैं इफ्तार पार्टी के लिए, और जो कि है इसकी फ्रेंड के घर पे। और आई होप कि बहुत मज़ा आएगा, और इनकी फ्रेंड को भी जानते नहीं हूँ तो इंट्रेक्शन भी होगी, और इफ्तार पार्टी में मज़ा भी आएगा। देखते हैं कि क्या पकाते हैं सबसे पहले, ये ना एक्साइटमेंट होती है। असमी दैट्स द रियलिटी। सो लेट्स गो गाइस। और हाँ, मैंने आज ड्रेसिंग फॉर्मल की हुई है। सो चले, अभी हम फाइनली मेरे कज़न के दोस्त के घर पहुँच गए हैं, और अभी 4:30 हो गए हैं, तो अभी इफ्तारी के लिए काफ़ी टाइम बाकी है। तो हमने सोचा है तब तक हम थोड़ी सी तस्वीरें बनाएंगी, थोड़ी सी यादें रहेंगी, सो यू नो मेमोरीज। तो अभी हम जा रहे हैं छत पे, और इनकी फ्रेंड चुप रही है, तो वही बात नहीं है। ओके, और ये है उमीज, किस चीज़ का स्ट्रेस, इसकी फ्रेंड का भाई, और इसको हम अभी तंग करने में लगे हुए हैं। और स्ट्रेस है, इसे स्ट्रेस है नहीं, क्या इसका स्ट्रेस है? स्ट्रेस है, हाँ, अभी हम इसका स्ट्रेस खत्म कर देंगे इसका। फिर शादी नहीं हो रही इसकी। ओह उमीज, आपकी शादी नहीं हो रही? बेचारा शर्मा गया। अभी हम छत पे आए हैं और तस्वीरें बना रहे हैं, यू नो मेमोरीज। और यहाँ पे बहुत मज़े की ठंडी सी हवा भी चल रही है, तो मौसम बहुत खुशगवार है। और यहाँ पे छोटे बच्चे पतंग भी उड़ा रहे हैं, जिनको देख के मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि बचपन में मैंने बहुत पतंग उड़ाए हैं, यू नो बहुत मज़े किए बचपन। सो बहुत मज़ा आ रहा है। और फिर काफ़ी टाइम है, अभी 1-2 घंटे रह गए हैं इफ्तार के लिए, तो तब तक हम थोड़े से इंजॉय भी करेंगे, थोड़े से बातें करेंगे, और मिलेंगे इफ्तार पर। अभी इफ्तार के लिए सिर्फ 1 ही घंटा रह गया है, और बहुत शदीद वाली भूख लग रही है मुझे। अच्छी बात, ये दोनों देखो, ये दोनों बातों में लगे हुए हैं,
तो बस मैं इनको देख ही जा रही हूँ क्योंकि इसकी दोस्त है, तो काश मेरी भी कोई दोस्त होती है यहाँ पे, उसको भी लेके आती मैं। सो चले फिर इफ्तार के टाइम पे, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी एक दो मिनट में बस आजाने होने वाली है, तो इफ्तारी हम करेंगे। और जो मेरी फ्रेंड और जो मेरे दोस्त है तो इफ्तारी तैयार कर रहे हैं, तो मैं आपको चलो दिखाती हूँ कि इफ्तारी में क्या क्या बना है और क्या क्या बन रहा है। अभी ये केक है, फ्रूट चाट, चना चाट और मैक्रोनी वगैरह, और ये दही बल्ले वगैरह बनाए हैं और मज़ीद लेके आ रहे हैं, और मुझे बहुत पानी आ रहा है मुँह में। अब इफ्तारी किए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और मेरी जो कज़न है वो घर जाने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं क्या कर रही है। चलो देखते हैं क्या करती है। वैसे चेक, ओ ये मेकअप के सामान खोल के रखे हैं, क्या चल, ओ ये क्या बना इसे? दिखाओ थोड़ा, दिखाओ ना मुखड़ा, है ना प्यारा मुखड़ा दिखा। नहीं दिखाना, अच्छा ये मेकअप चल रहा है यहाँ पे। और ये जो मेरी कज़न की दोस्त है, इसके मामा का पार्लर भी है, तो आपको मैं मेंशन कर दूंगी नीचे व्लॉग में, तो आप इनके पार्लर को विजिट कर सकते हैं। ये देखें छुपा रही है चेहरे को, कोई बात नहीं, जब ये रेडी हो जाएगी तो हम देखेंगे किस तरह की दुल्हन बनेगी। दुल्हन बन रही हो? अच्छा ठीक है, तो ये अभी दुल्हन बनी बैठी है। दुल्हन बनी हो, दिखाओ मुझे अपना मुखड़ा दिखाओ। अच्छा तो ये क्या बन रहा है अभी? पिक्चर्स, सही हो गया। हाँ प्यारी लग रही हो, लेकिन मोबाइल पर अच्छी नहीं लगी, नज़र नहीं आ रही। तो ये इसकी ड्रेसअप देखें, हाँ जिसको समझ में आती है वो समझ गया होगा। ठीक है ये देखे दुल्हन तस्वीर में बिजी है। फाइनली अभी ये तैयार हो गई है जाने के लिए, मुंह धोया है इसने, अब फ्रेश हो गई है, तो हम अभी जा रहे हैं। और हो गए पूरे टाइम, हो गए 9:30 हो गए ना, तो चलो निकलते हैं। 8:30, अच्छा 8:30 हो गए, सुबह के अब आए हुए थे। अभी फाइनली हम घर की तरफ रवाना है, और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और मौसम भी काफ़ी ठंडा है यार, मैं बनियान पहन के नहीं गई थी, काफ़ी ठंड है बाहर, तो हम जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया है। सो गाइस अब मैं फाइनली घर पहुंच गई हूँ। आज इफ्तार पार्टी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा। और हाँ जो मेरे दोस्त ये ब्लॉग देख रहे हैं, आप लोगों ने मुझे इनवाइट करना है, अब बोलना मत कि आप लोगों ने इफ्तार पार्टी रखती थी। सो आज का ब्लॉग यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अंटिल दैट अल्लाह हाफिज़।